ग्वालियर में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग तीन स्थानों पर छापामार कार्रवाई कर अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे एक महिला दो पुरुष सहित तस्करों को पकड़ा है। पकड़े गए तस्करों से आबकारी विभाग ने देशी विदेशी शराब बरामद की है जिसकी कीमत 80,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से आबकारी विभाग पूछताछ में जुट गई है। फिलहाल आबकारी विभाग ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। टीम भारती न्यूज। भावौर दुकान के पास एक सूचना मिली थी कि एक महिला जयश्री शिवरे लगातार शराब बेच रही है, तो उसको 15-20 दिन पहले हम लोगों ने ट्रेस किया था। आज हमने उस पर कार्रवाई की है। तो लगभग 430 पावर जिसकी कीमत 36,000 रुपये है, राजस्थान की बनी हुई मदिरा है, ये बेच रही थी। उसको आज हमने पकड़ा और उसके 34 लोगों का मामला दर्ज किया। इसके और भी कोई है इसके साथ आरोपी मिला है या महिला ही मिली है? महिला ही मिली है। Subscribe now to most exciting channel ever.